रवि शंकर शर्मा जी, जो कि पत्रकारिता में तकरीबन 2 दशक से भी ज़्यादा समय का अनुभव रखते हैं। सो आइए जानते हैं उनसे, उनके बारे में। सो सर, ये बताएं कि पत्रकारिता में कब आया और किस प्रकार आपका एंट्री हुआ? आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पत्रकारिता करने का एक शौक़ होता है हर इंसान का कि हमें जीवन में क्या लक्ष्य तय करना है। स्कूल ज़माने से लोग ऐसे सपने देखने शुरू कर देते हैं। मैं विद्यार्थी परिषद में था कॉलेज के दिनों में, संगठन का प्रेस विज्ञप्ति बनाता था, मैं ही बनाता था। मैं जो बना कर देता था उसमें से क्या एडिट होके आता है, नहीं होता है, इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान देता था। धीरे धीरे ये प्रेस विज्ञप्ति से रिपोर्टिंग का शौक़ बढ़ने लगा। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी। कुछ पत्रिकाओं, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से मैंने करियर की शुरुआत की थी। आज भी मेरे गुरुदेव हैं प्रिंट मीडिया में, अविनाश चंद्र मिश्रा जी, तापमान, और श्रीकांत प्रत्यूष जी, पीटीएन न्यूज़ के संपादक। इन दोनों ने मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए और मैंने अपने करियर की शुरुआत की। पत्रकारिता को मैंने कभी करियर समझा ही नहीं, ये मेरे लिए सेवा का भाव है, शौक रहा है। जीवन यापन के लिए मैं कुछ बिजनेस व्यापार कर लेता हूँ और पत्रकारिता और व्यापार दोनों को मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ। पत्रकारिता मेरे लिए कभी न करियर था ना आगे कभी होगा। अब तो 20 साल गुजर गए, करियर बनाना भी नहीं है। पत्रकारिता में बस सेवा भाव से आए हैं और जितना हो सके, देखिए इस शरीर का कुछ होना नहीं है, सबका एक ही हाल है। आप अच्छे इंसान हो, दुर्जन हो, सज्जन हो, गति तो एक ही होनी है। अंततः आपको श्मशान ही जाना है, या आपको मिट्टी में दफन हो जाना है, या फिर जलकर राख हो जाना है। तो इस शरीर से ये मानव तन मिला है, तो आप जितना सेवा दे सकें। तो हमारा क्षेत्र, चूँकि हमने शुरू से ही पत्रकारिता को चुन रखा था, मेरी इच्छा कभी हुई ही नहीं कि हम जॉब करें, तो हमको लगा कि चलो यही ठीक है, इसी से हम जो सर्विस दे पाएँ, जितनी मेरी क्षमता है। हर इंसान अपने क्षमता के अनुरूप ही सेवा दे सकता है, तो मेरी जो क्षमता है मैं कर रहा हूँ। जैसा कि दुखरन बाबा से भी बातचीत हुई हमारी, और एक आध्यात्मिक परिवार से आप बिलोंग करते हैं, सो सर ये जानना चाहेंगे कि एक आध्यात्मिक परिवार से बिलोंग करते हुए भी किस प्रकार आपकी जर्नी रही कि आप पत्रकारिता और अपने बिजनेस दोनों जगह पे ही अपने जगह पे आप सफल हैं। सो आपकी जर्नी किस प्रकार रही? मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, उन्होंने मुझे कोई धार्मिक कथाओं से अरबों का मालिक बना बैठा है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग तो जेल भी गए इस चक्कर में, आप जानते हैं। तो मुझे, मेरे पिता पर गर्व है कि वो बिना कोई शुल्क लिए कथाएं कहते हैं, प्रवचन करते हैं और जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। बस फ़ोन पर जानकारी ले लेता हूँ, पिताजी आप स्वस्थ हैं, कैसे हैं, इससे ज़्यादा कभी बात भी नहीं हो पाती है। बचपन में काफ़ी बातें होती थी, काफ़ी प्यार दुलार मिला। यहाँ तक कि मुझे, जब मैं 8वीं कक्षा में था, तो मेरे पिताजी ने ही मुझे बाइक चलाना सिखाया था। कम लोगों के पास उस वक्त बाइक हुआ करता था, 90 के दशक की बात है ये। तो मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो भी है मैं जो आज हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, उन्हीं के दिए हुए संस्कार से हूँ। और माता पिता से बड़ा कोई न गुरु है न भगवान है। सो सर, चूँकि पत्रकारिता में आपका 2 दशक का अनुभव है, इस नाते में आज का जो अभी पत्रकारिता का जो स्वरूप है और आज पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी आज लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग, मैं, ये तो एक लंबा बहस का विषय है, मैं संक्षेप में कुछ इस पर आपको बताता हूँ, जो मेरे विचार हैं, व्यक्तिगत मेरे विचार। देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं 2 संगठनों में हूँ। एक तो बिहार प्रेस मेंस यूनियन में मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और डिजिटल मीडिया के लिए एक संगठन में हम फाउंडर भी हैं, जिसका नाम है WJAI, वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ स्टेट में।
तो मतलब मैं डिजिटल मीडिया को भी समान रूप से देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी समान रूप से देख रहा हूँ। अभी का जो दौर है इसने काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना दिया है पत्रकारिता का, खास करके सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में जब से पत्रकारिता शुरू हुई। इसका कोई नियामक नहीं था पहले तक, कोई भी फेसबुक पर एक पेज बनाया, एक लोगो लिया, निकल पड़ा पत्रकारिता करने। तो इसके लिए हम लोगों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने डिजिटल मीडिया एथिक्स 2022 लागू किया 2022 में, डिजिटल मीडिया एथिक्स करके आया। अब WGI के द्वारा हम लोग पोर्टल्स को मान्यता दे रहे हैं। हम लोग ये इस प्रयास में हैं कि पत्रकारिता अपना स्वरूप जो उसका बिगड़ चुका है वो वापस अपने रास्ते पर आए। हम कितना सफल हो पाएंगे हम नहीं जानते हैं, हमारा काम है प्रयास करना, हम कर रहे हैं। वर्तमान में आपने पूछा कि वर्तमान में जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, देखिए पत्रकार होने का मतलब है पहले तो आपको आपकी सोच समझ, आपका विवेक कितना सही काम करता है, आप किस उद्देश्य को लेकर पत्रकारिता में आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आप जीवन यापन करने के लिए आए हैं पत्रकारिता में या फिर सेवा करने के लिए आए हैं पत्रकारिता में, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों बातें, कुछ मेगा सिटीज़ हैं जहां पर आपको कुछ सैलरीज मिल जाएगी, कोई अखबार दे देगा, कोई चैनल दे देगा। जिला में पत्रकारिता करना आज के दौर में काफ़ी कठिन है, कोई पैसा कहीं से नहीं मिलता है, जेब से आपको पेट्रोल तक बाइक में भरवाना पड़ता है। जो नए पत्रकार हैं उन सब का मैं, उन सबको मैं देख भी रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हैं मेरे भाई जो इस लाइन में हैं, भाई बहन जो भी हैं इस लाइन में, अभी जर्नलिज्म का शौक़ रखते हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो अपना सम्मान बचाकर रखना चाहते हैं तो कोई ना कोई साइड बिजनेस ज़रूर करें, कोई ना कोई उन्हें साइड बिजनेस करना चाहिए ताकि उनका सम्मान बचा रहे और वो जो सेवा करना चाहते हैं, जो समाज को वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब वो साइड बिजनेस करें। अगर पत्रकारिता में एक दिन, दो दिन, दस दिन, दो महीना, दस महीना आप दौड़ सकते हैं बिना किसी खर्चे का, उसके बाद आपको मजबूर होकर भ्रष्ट आचरण अपनाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप कोई बिजनेस खड़ा कर लें और पत्रकारिता को शौकिया ही रहने दें। अगर सेवा करने आए हैं तो सेवा ही करें, और जिन्हें मेवा खाना है तो वो तो राजनीति में भी वही चीज़ देखने को मिलती है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो सेवा के लिए आज भी हैं तत्पर, और तभी देश समाज चल भी रहा है। वही बात पत्रकारिता में भी लागू होती है, लेकिन ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मेरा निजी विचार है, लोगों का विचार और भी हो सकता है। थैंक यू सर। तो जैसा हम लोग अभी बातचीत करके जाने कि पत्रकारिता आनी देश का चौथा स्तंभ, और उसकी गरिमा, उसकी मान सम्मान को कायम रखते हुए हमें पत्रकारिता करने की ज़रूरत है। सो जितनी बातें हम लोग आज शेयर किए, इसके माध्यम से जो नए पत्रकार इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है ये। सो नए पत्रकारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आप इस फील्ड को चुने, चूँकि इसमें पैसा है ही नहीं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि इसमें मुझे करियर है, पैसा है, बिल्कुल मत आएँ। इसमें न करियर है न पैसा है, बहुत घुटन है। हम सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, हम यानी मैं अपने बारे में इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, जितने पत्रकार हैं सबके बारे में पत्रकार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पत्रकारों का के लिए आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कौन सा पत्रकार किस हाल में जी रहा है, किसी पॉलिटिकल लीडर को आप देखिए, कभी किसी पत्रकार के हित की बात करते हुए आपने सुना है? तो पत्रकारों के हित की बात कोई नहीं करता, पत्रकार सबके हित की सोचता है। पत्रकार होने का मतलब है आप शिव के भक्त हो जाएं, यानी आपको विष पीने की हर रोज़ आदत होनी चाहिए, आपको हर रोज़ विष पीना है और काम अपना सतत करते जाना है। क्योंकि और आपका ध्यान लक्ष्य पे रहना चाहिए कि हमको जो सर्विस देना है, जो योगदान, जो कंट्रीब्यूशन समाज को देना है, वो कैसे हम दे सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ उस पर होना चाहिए, उससे भटकाव आपका हो जाएगा। अगर आपके घर में रोटी नहीं रहेगी, आपके बाइक में पेट्रोल नहीं रहेगा, तो उससे आपको भटकाव होगा, आप गलत आचरण को अपनाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ युवाओं से कि आपको पत्रकारिता करनी है तो आप अपना बिजनेस लेके आएं, पत्रकारिता को शौकिया रखें, या फिर पत्रकारिता नहीं करें। नहीं तो जो आप अभी देख रहे हैं पत्रकारिता का
आपका हाल उसी रंग में आपको रंगना पड़ेगा। और जिस उद्देश्य को लेकर आप आए हैं, अगर आप भ्रष्टाचरण के उद्देश्य को लेकर आए हैं कि आपको भ्रष्टाचार करके कुछ धन अर्जित करना है, तो थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो मैं यही समझता हूं कि अगर आपको युवाओं को, नए युवाओं को पत्रकारिता करनी है जिला में रह के, तो आप और देखिए जितनी बड़ी आबादी अपने देश की है, इतने चैनल्स होने के बावजूद उतनी वैकेंसी नहीं है कि आपको एंकरिंग के लिए मिल जाए, आपको रिपोर्टिंग के लिए मिल जाए। पहले से लंबी लाइन है। वे लोग भी बड़े चैनल अखबार जो भी हैं एक्सपीरियंस्ड को खोजते हैं। उन्हें भी चाहिए जिसके पास अनुभव हो अच्छा खासा, और फ्रेशर्स के पास अनुभव होता नहीं। तो ये मूल समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है। मीडिया हाउसेस को पता है और मीडिया हाउसेस को मैं जिम्मेदार भी मानता हूँ, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत पैसे भी देते जिला और प्रखंड लेवल के पत्रकारों को, तो इतना जो आप देख रहे हैं अभी के पत्रकारिता पर जिस तरह से सवाल उठता है, इतने सवाल नहीं उठते। वो कुछ भी नहीं देते हैं, वो मजबूर करते हैं कि लोग भ्रष्टाचरण करें। तो इससे बचने का उपाय मुझे यही नज़र आता है कि आप एक बढ़िया सा बिजनेस स्टेबल कर लें और पत्रकारिता भी करते रहें साथ साथ। रविशंकर शर्मा जी, इनकी जितनी बातें इस इंटरव्यू के माध्यम से कही गई, खास करके आजकल के जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, पत्रकारिता के फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए एक लेसन है। और पत्रकारिता की गरिमा और सम्मान बनाकर अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो इनकी कही हुई बातों को अमल करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सर, धन्यवाद।